हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है गणेश चतुर्थी का 10th डे, यानी कि लास्ट डे, और आज है विसर्जन का भी दिन। तो चलिए फटाफट करते हैं व्लॉग और दिन की शुरुआत बप्पा की आरती और पूजा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शिवान कृति आज साथ साथ में उठ गई है, तो उसने भी नहाना धोना कर लिया है और कुछ खाना वाना खा लिया है। तो देखिए अभी वो क्या कर रही है। हाय बोलो। ये सुबह से उठ के टीवी में लग जाती है, टीवी देखती रहती है और इसका कुछ काम नहीं है। आज की माला देखिए कैसी है। अब स्टार्ट करते हैं भोग की तैयारी। तो हम बना रहे हैं ये मूंग की दाल। पहले एक दाल को धो के और हम लोग घी में इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है, हमने इसमें डाल दिया हल्दी और नमक और साथ में डाल देंगे टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 सीटी बजाएंगे। पानी डाल दिया हमने, अब हम सीटी बजाएंगे। हमने आलू परवल काट लिया है। एक्चुअली हम आज भी आलू और परवल ही बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई सब्जी अवेलेबल नहीं है और बाहर नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं आज ही फिर से ये ग्रेवी वाला बनाऊँगी डिफरेंट तरीके से। यहाँ हमने चढ़ा दिए मेरी और आज के लिए चाय, यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिए सब्जी के लिए। तेल गर्म हो चुका है, हम डाल देंगे जीरा, 1 लाल मिर्ची और तेज़पत्ता। फ्राई हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और मसाला। डाल दिया है हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च और जीरे का पाउडर। अभी हम इसको 15 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ढक के। ये हमारी चाय, हम पियेंगे चाय फिर लगेंगे काम पर। आज का मोदक बप्पा का। आज है बप्पा का ये भोग, चावल दाल सब्जी आलू परवल की, और ये मोदक और ये रोटी। तो चलिए जल्दी से भोग लगाते हैं पापा को। चलिए तो हो चुकी है शाम और अब तैयारी करते हैं पापा की विदाई की, विसर्जन की। तो चलिए आपको टाइम बता दूं, तो बज गए हैं 4 और शिवान कुर्ती के दादा और दादी आने वाले हैं, तो मैं आपको आज उनसे भी मिलाती हूँ। और चलिए फटाफट हम लोग तैयारी करते हैं। ये आ गई है शिवान कृति के दादी और ये रहे दादू। आप दादी से मिल चुके हैं, आज दादू से मिलते हैं। शिवान कृति दादू के बारे में कैसा लग रहा है दादू के साथ? दादू से बातें करो, दादू से बातें करो। हमको शिवान कृति के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी शिवान कृति बहुत प्यारी बेटी है और मैं इसे मिलने भी जाता हूँ, मेरे को इसकी बहुत याद आती है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। दादी को भी पकड़ के लाता हूँ पास। शिवान कृति और दादू की रिश्ता जो ऐसा है ना, दोस्ती के जैसा है ना, दोस्त है दोनों, खूब बातें करते हैं। मेरी पोती भी है, ये देखो इसका प्यार देखो कैसा झलक रहा है, देख रहे हो आप? ये देखो इसकी वजह से मेरे को शुगर हो गया। देखिए इसका प्यार, सर से लेके ऐसे प्यार करती है दादू से, डालती है, रोज पूछती रहती दादू कब आएंगे, दादू कब आएंगे। आज थोड़ी दादी की तबीयत इसकी ठीक थी तो ये लोग आए हैं। तो चलिए आप तैयारी करते हैं गणपति बप्पा की विदाई की, आप भी हाय बोल दो। हाय। लोगों का नाश्ता जो शिवान कृति के दादू लेके आए हैं, बहुत सारे मेहमान आ गए, सब लोग हाय बोल दो। ये मेरी ननद के हस्बैंड, मेरे नंदोई, ये इनका बेटा शैतान, ये इनकी मम्मी, ये शिवान कृति और ये आंटी हमारी। मोरिया मंगल मूर्ति।
गणपति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो अभी हो रहा है विसर्जन, तो आप पूरा प्रोसेस देखिए कैसे विसर्जन करेंगे ये लोग। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ। उठा रहे वो लोग, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल। विसर्जन हो चुका है, विसर्जन हम लोगों ने देख लिया, सब कुछ, चलते हैं घर।